हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू नॉलेज इनसाइडर। दोस्तों, हायरिज का नाम कहीं ना कहीं आपने सुना ही होगा और साथ ही साथ प्लान भी देखे होंगे। दोस्तों, कंपनी ने एक नया तरह का जो है इसमें कॉन्सेप्ट को इम्प्लीमेंट किया है। आज हम इस नए कॉन्सेप्ट के साथ साथ आगे बढ़ेंगे। प्लान जो फर्स्ट परचेज प्लान है, न्यू फर्स्ट परचेज प्लान, इसके प्लान को हम पूरा पूरा देखेंगे कि प्लान किस तरह से इनकम आपको देगी और रिपर्चेस किस तरह से आपका यहाँ पे इनकम आपको यहाँ पे देगी, है ना। उस सारी चीज़ें मैं आपको यहाँ पे बताने वाला हूँ। और थोड़ा सा मैं आपको पीछे लेके चलता हूँ। जब कंपनी स्टार्ट हुई थी, है ना, 2016 में, तो जो पहला प्लान कंपनी का था वो फर्स्ट परचेज प्लान ही था। और इसके बाद फिर कई सारे प्लान आए, इसमें डिजिटल आए, ग्रोसरी आए, क्रिप्टो आए, OTT आए, है ना। अभी कई सारे प्लान मार्केट में चल रहे हैं हायरिज की। तो जो पहला प्लान था अपना हायरिज का फर्स्ट परचेज प्लान, वो बाइनरी कॉन्सेप्ट के साथ स्टार्ट हुई थी और अभी जो है उसे चेंज कर दिया गया है। फर्स्ट परचेज प्लान का जो बाइनरी कॉन्सेप्ट है उसे चेंज करके अब स्ट्रेट लाइन कॉन्सेप्ट में लेके आ गई है, जिसे बहुत से लोग लेवल इनकम भी कहते हैं, है ना, लेवल इनकम, जिसमें कि कुछ लेवल तक आपको इनकम आती है। बट इसका जो प्लान है बहुत ही बेहतरीन तरीके से डिज़ाइन किया गया है, बहुत ही बेहतरीन, मतलब ज़बरदस्त तरीके से डिज़ाइन किया गया, जिसमें आपको लेवल वाइज 28 लेवल से इनकम आता है। साथ ही साथ आपको यहाँ पे इन्फिनिटी स्पॉन्सर इनकम आता है 10%, और इसके अलावा आपको यहाँ पे रॉयल्टी इनकम भी दी जाती है, जो कि लीडरशिप डेवलपमेंट के लिए एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। तो चलिए आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को शुरू से अंत तक देखेंगे हम लोग। अगर आप अभी तक नहीं देखे हैं तो इस वीडियो को जरूर देखिए। ओके, तो सबसे पहले बात करते हैं अबाउट अस, है ना, कंपनी के बारे में। तो कंपनी के जो फाउंडर हैं मिस्टर प्रथापन KD सर, और ये मैनेजिंग डायरेक्टर हैं अपने हायरिज ग्रुप ऑफ कंपनीज, और जो को फाउंडर है मिसेस श्रीना प्रथापन, इनकी वाइफ है, और चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हैं हायरिज ग्रुप ऑफ कंपनीज। ओके, सो कंपनी का बिजनेस प्लान बहुत ही बेहतरीन तरीके से इन लोगों ने डिज़ाइन किया है, है ना इन्होंने। और देखिए, इनके कई सारे जो है मार्केटिंग के जो है अलग अलग जो है इनका जो चल रहा है ऑलरेडी, यहाँ पे देखिए मार्केटिंग विंग, एक तो हायरिज मर्चेंटाइल और फर्म्स, दूसरा हायरिज ऑनलाइन शॉपिंग के अंदर सुपर एजेंसी, है ना, मल्टी वेंडर सिस्टम, HR OTT एंड HR मैट्रिमोनी, और सुपर एजेंसी के अंदर जो आता है आपका स्टोर एजेंसी, है ना, अलग अलग तरह के हब और एजेंसीज वगैरह आते हैं, और स्मार्ट टेक में जो है इनका HR प्रोडक्शंस, यानी खुद का जो है जैसे कि प्रोडक्शंस हाउस होता है उनका खुद का आने वाला, और हायरोक्स यानी जो क्रिप्टो है वो ऑलरेडी चल रही है। ठीक है, तो कंपनी के पास एक ही प्लेटफॉर्म के अंदर काफ़ी सारे कॉन्सेप्ट के साथ ये जो है काम कर रही है। तो मिशन और विजन बहुत ही लंबा है, चलिए इनके सभी कंपनियों के ऐसे ही होते हैं। ओके, तो मैं इसको आगे स्किप करते हुए बढ़ जाता हूँ। फर्स्ट परचेज प्लान के अंदर दोस्तों ज्वाइनिंग यहाँ पे ओनली 800 ऑनवर्ड्स हैं, यानी कि 800 रुपये से ज्वाइनिंग इसकी स्टार्ट होती है। ओके, अगर आप प्रोडक्ट नहीं लेते हैं तो यहाँ पे रिडीम कूपन जो है आपको 800 रुपये मिल जाता है रिडीम कूपन, जिससे आप बाई करके अपनी आईडी को एक्टिवेट कर सकते हैं और आप एलिजिबल हो जाते हैं इन सभी इनकम्स को लेने के लिए। ओके, सो लेवल वाइज आप यहाँ पे इनकम देख सकते हैं, आपके स्क्रीन के सामने मैं यहाँ पे जस्ट चीज़ों को यहाँ पे दिखा रहा हूँ, ये देख सकते हैं। यहाँ पे जो आप देख सकते हैं ये लेवल वाइज इनकम यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट किया गया है। सो फर्स्ट लेवल से आप ये देख सकते हैं 150 रुपीज़ मिल जाता है, यानी कि अगर आप किसी को स्पॉन्सर किए हैं वहाँ से डायरेक्ट आपको जो है आपको 150 रुपीज़ आ जाएगा। लेवल टू से आपको आएगा 100 रुपीज़, लेवल थ्री से आएगा आपको 100 रुपीज़, और लेवल फोर से आएगा 50 रुपीज़। ओके, सो लेवल फोर के बाद जो है आपका लेवल फाइव से लेकर के जो है आपका लेवल 14 तक आपको आएगा यहाँ से 10 रुपीज़ करके आएगा। लेवल 15 से लेकर के आपका यहाँ पे आने वाला है लेवल 21 तक 5 रुपीज़, और लेवल 22 से लेकर के जो है आपका जो है लेवल 28 तक, लेवल 22 से लेवल 28 तक आपको यहाँ पे 2 रुपीज़ आने वाला है, जो कि इनकम काफ़ी अच्छा यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट किया गया है। लेवल वाइज इनकम आपके सामने है, है ना, और इस तरह से आपको यहाँ पे मिलने वाला है अच्छा खासा इनकम। और इन्फिनिटी स्पॉन्सर इनकम यहाँ पे आपको दिया गया है, आप देख सकते हैं अगर आपकी टीम में कोई भी किसी को भी आपने स्पॉन्सर कर रखा है, ठीक है, तो जो उनकी अर्निंग होगी, ठीक है, आप समझिएगा उनकी जो भी उसकी जो लेवल प्लान से जो अर्निंग होगी उनसे 10% आपको मिलने वाला है। जस्ट यहाँ पे मेंशन कर रखा है इन्होंने,
डायरेक्ट स्पॉन्सर विल गेट 10% ऑफ हिज डायरेक्टली इंट्रोड्यूस्ड मेंबर अर्निंग फ्रॉम द लेबर इनकम, यानी कि लेबर इनकम से जो अर्निंग उसको आएगा उसके 10% को, 10% जो उसके स्पॉन्सर को जाएगा, है ना। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे समझाया भी गया है अच्छे तरीके से, जैसे कि ये मेंबर यहाँ पे 5000 अर्न कर रहा है तो इसका जो 10% है तो इसके स्पॉन्सर को 500 गया। अब ये मान लेते हैं अगर ये 500 अगर अर्न कर रहा है, ठीक है, अगर ये 500 अर्न कर रहा है तो इसका 10% जो है उसके स्पॉन्सर को जाएगा 50 रुपीज़, और 50 रुपीज़ कोई अर्न कर रहा है, ठीक है, तो उसका जो 10% है 5 रुपीज़ वो उसके स्पॉन्सर को जाएगा, और जो 5 रुपीज़ कोई अर्न कर रहा है तो इसका 10% जो है उसके स्पॉन्सर को जाएगा 0.5। तो इस तरह से जो है एक इनकम जो यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट होगा। ओके, सो ये इन्फिनिटी स्पॉन्सर इनकम है, इसमें कोई लेवल या कोई कहीं कहीं तरह का कोई कंडीशन नहीं है। आपकी जितनी भी नीचे डाउन में हो रहा हो काम या जितने ऊपर, तो उस मैटर नहीं करता, अभी इन्फिनिटी तक जाएगा, मतलब 10% का 10%, 10% का 10%, उसके 10% है ना, उसके अर्निंग के 10% के लेवल इनकम से 10%, उसके लेवल इनकम से 10%, इस तरह से ऊपर के ऊपर जो है इनकम यहाँ से जाते रहेगा। साथ ही साथ इसमें रॉयल्टी इनकम भी है, जो कि इस प्लान के अंदर जो है लीडर्स के लिए काफ़ी बेहतरीन एक जो है द्वार जो है इनकम का जो बोलते हैं ना शटर खोल रखा है इनकम का। ओके, सो इसके अंदर देखिए यहाँ पे जो पहला पूल है इसको हम लोग बोलते हैं इसको रॉयल स्टार। ओके, सो रॉयल स्टार आपको बनने के लिए क्या करना होगा, सबसे पहले तो आपको आपकी आईडी यहाँ पे एक्टिव होनी चाहिए। ओके, आपकी आईडी एक्टिव है, देन आफ्टर आप यहाँ पे जो है आपको 5 ऐसे डायरेक्ट मेंबर कर लेने हैं, आप 10, 20, 50 जितना डायरेक्ट करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, बट हाँ आपको एटलीस्ट 5 डायरेक्ट मेंबर ऐसे करने हैं जिसके डाउन में क्या होना चाहिए 100 मेंबर्स की टीम होनी चाहिए। सपोज दैट ये जो आप यहाँ पे देख रहे हैं, मैं फिगर में दिखा रहा हूँ, ये जो है बंदा है, इन्होंने अपनी आईडी एक्टिवेट किया और इसके नीचे जो टीम है क्रिएट हो गई है, 100 लोगों की टीम क्रिएट हो गई है, ठीक है। तो इस तरह से 100 लोगों की टीम, इसके नीचे भी इधर 100 लोगों की टीम होनी चाहिए, इसके नीचे भी, और इसके डाउन में भी 100 लोगों की टीम, और इसके डाउन में भी 100 लोगों की टीम, और इसके डाउन में भी 100 लोगों की टीम एटलीस्ट नीचे होना चाहिए। ओके, सो अगर इस तरह का अगर आपका यहाँ पे जो है मैट्रिक्स बन जाता है जिस तरह का हमने बताया अभी, ओके, सो आप जो है पहुँच जाते हैं रॉयल स्टार क्लब के अंदर, और आपको यहाँ से जो इनकम मिलता है दोस्तों बता दो, कंपनी यहाँ पर जितनी भी ज्वाइनिंग आएगा उन सभी से 30 रुपीज़ निकालेगा, ठीक है, 30 रुपीज़ निकाल के जो इस पूल में डालेगा रॉयल स्टार पूल में, और जितने भी अचीवर बनेंगे डेली बेसिस पे एंड ऑफ द डे क्या होगा उसको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाएगा, इक्वली डिवाइड कर दिया जाएगा, इक्वली बांट दी जाएगी। ओके, सो बहुत बड़ी इनकम यहाँ पर ये भी होने वाला है। चलिए मैं थोड़ा सा इंग्लिश में भी पढ़ के बता देता हूँ यहाँ पर क्या लिखा गया है। इन ऑर्डर टू ज्वाइन द फर्स्ट रॉयल्टी क्लब अ मेंबर मस्ट bring in 5 new members and each of those member will bring new 100 ID from their team. Okay, so कंपनी ने साफ साफ लिखा है यहाँ पे कि भाई आपको नए 5 नए मेंबर को ऐसे ज्वाइन करने हैं लाना है, ठीक है, उनके नीचे एटलीस्ट 100 जो है मेंबर्स की टीम ऐसी होनी चाहिए तो आप रॉयल स्टार क्लब के अंदर जो है आपकी यहाँ पे एंट्री हो जाता है, तो आप यहाँ पे जो है रॉयल्टी के तहत आपको यहाँ पे इनकम जो है डेली बेसिस पे कुछ ना कुछ आपको मिलने वाला है। अगर ये पॉइंट अगर आपका क्लियर हो गया ना तो बाकी आने वाले जो रॉयल्टीज हैं, ठीक है, वो भी आपका क्लियर हो जाएगा। सो अगला रॉयल्टी है दोस्तों रॉयल रूबी, तो इसमें भी साफ साफ यहाँ पे लिखा गया है इन ऑर्डर टू ज्वाइन द सेकेंड रॉयल्टी क्लब 5 of their direct member must reach first royalty club. यानी कि आपने जो royalty club 1 में जो है आपने जो अपना जो ज्वाइन किया, अपना जो एंट्री किया, उसी तरह से आपको क्या करना है, आपको नीचे जो है नीचे के पांच लोगों को क्या करना है, आपको उसी लेवल पे पहुंचा देना है जिस लेवल पे आप पहुंचे हैं। ओके, सो पहला रॉयल स्टार है, दूसरा क्या है यहाँ पे रॉयल रूबी है। ओके, सो रॉयल स्टार आप बन गए, आपको नीचे क्या करना है, आपको 5 रॉयल रूबी तैयार कर लेना है, उसी तरह से जिस तरह से आप जो है रॉयल स्टार बने, ओके, रॉयल स्टार बने, उसी तरह से आपको क्या करना है, 5 नीचे जो है रॉयल स्टार आपके डाउन में तैयार कर लेना। जैसे ही वो तैयार कर लेते हैं तो वहाँ से भी आपको क्या होगा कि आपकी एंट्री हो जाएगा रॉयल रूबी के अंदर, और फिर आपकी इनकम जो यहाँ पे डेली बेसिस पे इससे भी इस रॉयल्टी क्लब से भी आपको आना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। यहाँ भी कंपनी हर आईडी से 30 रुपया निकालेगी, 30 रुपया जो है निकाल करके जो है एक इस रॉयल रूबी
क्लब के अंदर जो डालेगी और जितने मेंबर्स हैं उनके अंदर जो है बराबर बराबर डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाएगा डेली बेसिस पे एंड ऑफ द डे। ओके, तो यहाँ से भी काफ़ी अच्छा इनकम आने वाला। दूसरा यहाँ पे रॉयल्टी जो आगे नेक्स्ट है ये है अपना रॉयल एमराल्ड। ठीक है, तो रॉयल एमराल्ड में जो है ये भी सेम है उसी तरह से। आपको क्या करना है, नीचे 5 मेंबर्स को आपको करना क्या है, रॉयल्टी क्लब में जो है जो सेकेंड रॉयल्टी क्लब में उसमें आपको पहुँचा देना है। ठीक है, जिस तरह से आप क्या बने थे रॉयल रूबी बने थे, उसी तरह से नीचे क्या करना है आपको 5 रॉयल रूबी बना लेना है। ठीक, 5 रॉयल रूबी बना लेंगे ना आप तो आपकी जो रैंक है वो अपग्रेड हो जाएगा रॉयल्टी के अंदर, वो हो जाएगा इमरेल्ड, रॉयल इमरेल्ड बन जाएंगे आप। ठीक है, तो यहाँ कंपनी क्या कर रही है कि जितने भी ज्वाइनिंग्स आती है उनमें से 20-20 रुपये निकाल करके जो है इस रॉयल इमरेल्ड रॉयल्टी के तहत जो है रॉयल्टी क्लब के अंदर इनकम जो है अंदर ये 20 रुपये करके जो है जमा करती है ना पूल के अंदर, इस पूल के अंदर, और जितने भी अचीवर्स बनेंगे एंड ऑफ द डे उनको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाएगा डेली बेसिस पे, है ना, डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाएगा। अगर आप इस रैंक को भी अचीव कर लेंगे तो आपको तीनों ही रैंक के अलग अलग इनकम्स आपको आने लगेंगे, जो काफ़ी बेहतरीन बात है। ओके, सो नेक्स्ट है अपना रॉयल डायमंड। तो रॉयल डायमंड बनने के लिए जो है इसमें भी कुछ नहीं ज़्यादा खास करना पड़ेगा आपको। आपको करना क्या है, आपके अपने डाउन में क्या करना है, जो रॉयल्टी क्लब 3 के अंदर जो कुछ मेंबर्स हैं उसको यहाँ पे जो है लेके आ जाइए। ठीक है, आपको क्या करना, जैसे अपने रॉयल एमराल्ड बने थे ना, सेम रॉयल एमराल्ड आपको अपने डाउन में 5 ऐसे बना लेना है। ठीक है, 5 रॉयल एमराल्ड आपके डाउन में बना लेने हैं। ठीक है, आपको समझ में नहीं आ रहा तो मैं आपको बेसिक से समझा देता हूँ कि यहाँ पे आपको जैसे कि आप जैसे ही रॉयल्टी 3 में आप पहुँचे थे, है ना, रॉयल्टी क्लब 3 के अंदर आप पहुँचे थे क्लब 3 के अंदर, उसी तरह से आपको क्या करना है, आपके डाउन में भी क्लब 3 के मेंबर 5 ऐसे तैयार करवाने हैं, 5 मेंबर ऐसे तैयार करवाने हैं। फिर उसके बाद आपकी यहाँ पे जो इनकम है वो यहाँ से अलग से जो है एक अलग तरह की जो रॉयल्टी है वो आपको आना स्टार्ट हो जाएगा रॉयल डायमंड के तहत, है ना, ये क्लब 4 है अपना। ओके, सो यहाँ से कंपनी 10-10 रुपीज़ हर ज्वाइनिंग से निकालेगी। ओके, सो 10 रुपीज़ हर ज्वाइनिंग से निकालेगी और इस क्लब के अंदर रख देगी, है ना, रॉयल डायमंड जो अपना क्लब है इसके अंदर रख देगी। और फिर जितने भी क्या कहते हैं ना वो अचीवर्स बनेंगे उनको डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे बराबर बराबर एंड ऑफ द डे डेली बेसिस पे, तो ये भी अच्छी इनकम आप जो है इधर से भी ले सकते हैं। नाउ लास्ट वन इज रॉयल क्राउन। ठीक है, तो इन ऑर्डर टू ज्वाइन द 5th रॉयल्टी क्लब 5 ऑफ देयर डायरेक्ट मेंबर मस्ट रीच 4th रॉयल्टी क्लब। तो इसके लिए क्या होगा कि आपका 4th रॉयल्टी क्लब में आने वाला 5 ऐसे व्यक्ति को आपको क्या करना है, आपके डाउन में ऐसे बना देने हैं। ठीक है, जैसे कि आप जिस तरह से आप बने थे ना आप रॉयल डायमंड, तो उसी तरह से आपको क्या करना है, नीचे 5 रॉयल डायमंड आपको क्रिएट कर देना है, यानी कि क्लब 4 में 5 व्यक्ति को ऐसे पहुँचा देना है आपके डाउन में और आप ऑटोमेटिक पहुँच जाएंगे, है ना, क्लब 5 के अंदर। और देन आफ्टर यहाँ से भी आपको एक रॉयल्टी जो है स्टार्ट हो जाएगा, रॉयल्टी यहाँ पे भी आपको अच्छी खासी मिलने लगेगी। तो इस तरह से जो है प्लान काफ़ी अच्छा कंपनी ने डिज़ाइन किया है। और बढ़ते हैं आगे दोस्तों रीपर्चेज पे। तो रीपर्चेज पे भी कंपनी ने जो है इसके ऊपर भी प्लान ऑलरेडी जो डिज़ाइन था उसी को यहाँ पे जो है रखा है, तो उसके अंदर कोई ज़्यादा छेड़छाड़ नहीं किया गया। जैसे कि आप सेल्फ परचेज करते हैं तो उसमें आपको SI का 30% आपको मिलता है एंड 70% जो है आपका जो है डिस्ट्रीब्यूट होता है लेवल वाइज में। तो यहाँ पे जिस तरह से स्पॉन्सरिंग होता है, आपने किसी को स्पॉन्सर किया तो लेवल वन ने किसी को स्पॉन्सर किया तो लेवल 2, और लेवल 3 ने किसी को स्पॉन्सर किया तो लेवल 4, इस तरह से चलता है स्पॉन्सरिंग यहाँ पे अप टू 18 लेवल तक, है ना। तो इस तरह से आपको चलेगा, यहाँ पे इनकम आपको जो है दिया जाएगा। तो यहाँ पे जो है देख सकते हैं लेवल 1, जो आप लेवल 1 का कहने का मतलब है कि आपने जिसे स्पॉन्सर किया, ठीक है, वहाँ से 20%, फिर लेवल 2 से 15% और लेवल 3 से जो है 10%, लेवल 4 से जो है 5%, देन आफ्टर जो है 5, 6, 7, 8 इस तरह से 2.5, इस तरह 1.25, फिर नेक्स्ट जो है 0.75% से जो यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। इस तरह से 100% आप देखेंगे ना, यहाँ से आप सेल अपनी खुद से लेकर के आप कस्टमर्स तक की जितने भी जोड़ेंगे तो उस 100% ये जो है SI का पूर जाएगा। ठीक है, 100% ये दिया गया है, तो ये जो डिस्ट्रीब्यूशन होगा ना ये SI का होगा, यहाँ पे लिखा हुआ है साफ साफ। मैं अगर पढ़ के दिखा दूँ तो ईच प्रोडक्ट हैव गिवन SI, ठीक है, SI पॉइंट ऑन वेबसाइट, आप इसकी वेबसाइट पर भी विजिट कर सकते हैं, highreach.in, है ना, वहाँ पर विजिट करेंगे तो देखेंगे कि
आप हर प्रोडक्ट्स के अपने अलग अलग SI पॉइंट हैं, ठीक है। तो उन्हीं SI पॉइंट को डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा परसेंटेज बेसिस पे, है ना, 18 लेवल में, इंक्लूडिंग यू अगर बात करें तो 19 लेवल हो जाएगा इंक्लूडिंग यू, ठीक है। तो आपको जोड़ के 19 लेवल हो जाएगा, अगर आपको छोड़ दे तो 18 लेवल का जो है स्पॉन्सर लेके इनकम बन जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से आपको यहाँ पे 100% जो है SI का डिस्ट्रीब्यूट किया जा रहा है। तो SI कितना है, क्या है, वो आप इसकी वेबसाइट पर विजिट कर सकते हैं। इवन आप इसकी शॉपिंग पर जाएंगे तो वहाँ पर भी वो बता देंगे कि किस प्रोडक्ट पे कितनी SI हैं, ठीक है। तो यहाँ एग्जांपल के लिए समझाया गया है, ठीक है, तो मैं इसके ऊपर ज़्यादा नहीं जाऊँगा। अब आता हूँ सीधा सीधा टर्म्स एंड कंडीशंस पे कि कंपनी ने टर्म्स एंड कंडीशन क्या रखी है। विड्रॉल अवेलेबिलिटी ऑन द डेली बेसिस, द मिनिमम विड्रॉल लिमिट सेट एट 500 रुपीज़, ठीक है। तो डेली बेसिस पे जो है आप विड्रॉल्स को लगा सकते हैं जो कि पहले की तरह है, और मिनिमम विड्रॉल जो है 500 का आपका जो है लिमिट है, तो ये भी पहले की तरह है जो कि काफ़ी अच्छी है, मिनिमम विड्रॉल 500 का। इन ऑर्डर टू वैलिडेट योर ID, इट इज नेसेसरी टू मेक अ मिनिमम मंथली रिपर्चेज ऑफ 500, ओके। सो 500 का मिनिमम मंथली रिपर्चेज आपको करना होगा अगर आपको अपनी ID को वैलिडेट करना है ना, आइदर एन एजेंसी और अ मल्टी वेंडर प्लेटफॉर्म, है ना। आपको हर महीने जो है या तो मल्टी वेंडर जो है इनकी जो शॉपी वगैरह हैं वहाँ पे जाके आप रिपर्चेज कर सकते हैं, अदरवाइज आप चाहते हैं कि इसकी वेबसाइट पे जाकर के लेना तो आप वहाँ पे भी जाके ले सकते हैं, एजेंसी एज वेल एज मल्टी वेंडर जो अपना हाईरिच ऑनलाइन जो है शॉपी जो अपना वेबसाइट है hirich.in, वहाँ से भी जाके आप रिपर्चेज कर सकते हैं, दूसरा शॉपी भी जाके कर सकते हैं। जो मेन समझने की बात है, चलिए यहाँ पे समझ में आ गई। जो यहाँ पे देखिए, एनुअल रेनुअल इज नेसेसरी इन ऑर्डर टू एक्टिवेट योर ID एट अ फी ऑफ ₹500। अब यहाँ पे पहले जो कंडीशन थी 6 मंथ्स पे आपको 500 का रिन्यूअल करने का, उसे चेंज कर दिया गया है, 1 ईयर में कन्वर्ट कर दिया गया, जो कि एक हम लोग के लिए कुछ बेनिफिट हुआ। सो 500 रुपीज़ का एनुअल रिन्यूअल देना पड़ेगा आपको, अगर इधर काम करना है, अगर आपकी इधर इनकम आती है, तो यू मस्ट रिन्यूअल योर ID विद 500 रुपीज़ ऑन एवरी 12 मंथ्स, हर 12 मंथ्स पे आपको 500 रुपया देना होगा। नाउ नेक्स्ट बढ़ते हैं, ओनली 1 ID इज अवेलेबल फॉर 1 ID प्रूफ फॉर द कस्टमर्स, ठीक है। अब यहाँ पे कंपनी ने जो है एक रेस्ट्रिक्शन, बहुत बड़ा रेस्ट्रिक्शन लगा दिया, जहाँ कंपनी पहले अनलिमिटेड की बात कह रही थी, अब वहाँ पे कंपनी ने बता दिया भाई अब 1 ID प्रूफ पे एक ही ID लगेगी, ओके। सो एक ID प्रूफ पे, है ना, आपके आधार कार्ड पैन कार्ड, एक ID प्रूफ पे एक ID लगेगी फॉर डेवलपमेंट एंड चेंजेस कंडीशन अप्लाई। तो कभी भी कुछ ऐसा लगेगा कंपनी के डेवलपमेंट के लिए कोई चेंजेस होना चाहिए, तो उसके लिए कंडीशन भी कंपनी डाल सकती है, ठीक। तो ये मेन यहाँ पे समझने की बात था, आपका एनुअल रेनुअल फी जो है आपका 500 का हो गया, और उसके बाद आपको यहाँ पे एक ID पे एक ही जो है एक ID प्रूफ पे एक ID लगेगी, है ना। उसके बाद मंथली रिपर्चेज 500 का करना है, और मिनिमम विड्रॉल 500 का, और डेली बेसिस पे विड्रॉल भी लगा पाएंगे, कोई लिमिट वगैरह नहीं लगा रखा है, ओके। सो आई होप ये वीडियो के अंदर आपने समझ लिया होगा कंपनी का जो पूरा का पूरा प्लान है। वीडियो थोड़ा लंबा हुआ है, लेकिन मैंने डिटेल में समझाने का प्रयास किया है, ओके। सो मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।